नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के हरला गांव में निर्माणाधीन नाला में डूबने से 3.5 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन और गहरे नाले के सामने खेल रही बच्ची अचानक उसमें गिर गई और गिरकर डूब गई। लॉकडाउन का सन्नाटा था, वक्त रहते पता नहीं चल सका। डूबी हुई बच्ची को देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया। आवाज सुनते ही लोग नाले के पास पहुंचे, जहां बच्ची मृत पाई गई। बच्ची की पहचान सुनील कुमार की पुत्री सौम्या के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कादिरगंज ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। एक लगभग 3.5 साल की बच्ची थी, खेलने के क्रम में निर्माणाधीन नाला में गिर गई और इसी क्रम में उसकी मौत हो गई है। डेड बॉडी को ले लिया गया पोस्टमार्टम के लिए, हॉस्पिटल में भेजा गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जहां देश कोरोना के मौत से मातम में है, वहीं इस विकट परिस्थिति में क्या प्रशासन और व्यवस्था की लापरवाही से हुई इस मौत का गरीब परिवार पर क्या असर पड़ेगा, ये हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुकान उतनी देर में, थोड़ा 10 मिनट के अंदर में ऐसा हो गया, कोई नहीं लगे। जवाब दीजिए, जो कहना है सोमिया आपका सुनील कुमार। लोगों का गुस्सा प्रशासन पर भी दिखा और उन्होंने नाले के निर्माण में लेट लतीफी पर भी काफी सवाल उठाए। इतना पानी लगा हमको, आपकी नली में लगा, मुझको पानी इतना लगा तो इस बच्ची को क्या हो? आपकी नली में ढक्कन नहीं पड़ा, आपका काम देखिए 5 दिन से पैंप बिछा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब जब हमको इतना लग सकता है तो बच्ची तो है। इस घटना के बाद मासूम मृतक बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेलती हुई महज 3.5 साल की बच्ची की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है, ये आज पूरा नवादा पूछ रहा है। इतना पानी लगा हमको, आपकी नली में लगा, मुझको पानी इतना लगा तो इस बच्ची को क्या हो? आपकी नली में ढक्कन नहीं पड़ा, आपका काम देखिए 5 दिन से पैंप बिछा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब जब हमको इतना लग सकता है तो बच्ची तो है। ऊपर कितना गड्ढा है, नीचे कितना गड्ढा है, पोखर कितना गड्ढा है, इधर है।